खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पेंशनर्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राव के आह्वान पर राजनांदगांव कलेक्ट्रेट के सामने ईपीएस 95 के पेंशनरों ने धरना दिया। पेंशनरों का कहना है कि हम 2017 से अपनी मांगों के लिए धरना दे रहे हैं। हमारी मांग है कि हमें 7500 पेंशन और डीए दिया जाए। राजनांदगांव से नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारी मांगे हैं, मैं आरके वर्मा, जिला अध्यक्ष राजनांदगांव। हमारी मांग है 7500 रुपया प्लस डीए। ईपीएस 95 के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राव जी, जो दिल्ली से पूरे देश भर के जितने भी जिले वाले हैं उन जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 11/3/2024 को हमारा संघर्ष विगत 8 वर्षों से जारी है। उसके तहत हमारी जो मांगे हैं 7500 रुपया प्रति माह और डीए, जिन कर्मचारियों को इस पेंशन के संग में नहीं जोड़ा गया है उनको 5000 रुपया अतिरिक्त दिया जाए। अभी तक की कार्यवाही के हिसाब से हमारी बातें 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी से हो चुकी हैं, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है कि आपकी बात हम पूरी करेंगे, लेकिन आज पर्यंत तक नहीं हुए, जिसके लिए हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में जनप्रतिनिधि और हमारे सांसद महोदय, इनको सबको ज्ञापन देना शामिल है। धरना प्रदर्शन कलेक्टर ऑफिस के सामने है। ये सब पूरे देश में एक साथ हो रहा है। हम लोग का आंदोलन चल रहा है सर 2017 से, अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। आज 7-8 साल होने जा रहे हैं।